चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। आज मैं बताऊंगी इंट्रोडक्शन। पहले हम लेंगे स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं पहले आज मैं इस वीडियो में वो एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हमारे पास होती है रॉ डाटा। डाटा भी बोल सकते हैं इसे, डाटा भी बोल सकते हैं या ओनली डाटा भी बोल सकते हैं। तो रॉ डाटा किसे कहते हैं? सपोज 5 स्टूडेंट्स गॉट द फॉलोइंग मार्क्स। मैंने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए। आउट ऑफ 100 मैंने सपोज किया कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। आउट ऑफ 100 मार्क्स क्या है? 38, 52, 33, 63, 81। ये मैंने 5 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आए हैं वो लिख लिए। अब जो ईच एंट्री है इस लिस्ट में, जो ईच एंट्री है इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या चीज? ईच एंट्री इन द लिस्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहले आपने मैंने आपको ये बताया कि मैंने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए और जो एक स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है उसे हम कहते हैं, ईच एंट्री को हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। एंड कलेक्शन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन का जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा। इसे हम डाटा या रॉ डाटा। तो 5 स्टूडेंट्स के मैंने नंबर लिए, आउट ऑफ 100 उनके कितने मार्क्स आए वो लिए। अब जो इस लिस्ट में जो ईच एंट्री जो है, ये 5 बच्चों की जो एंट्री है लिस्ट में, इनको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन और इनका जो कलेक्शन है ऑब्जर्वेशन का इनको हम कहते हैं डाटा। ठीक है, आगे अब जो ये नंबर्स हैं, जो 5 बच्चों के जो नंबर्स हैं आए हैं, आउट ऑफ 100 जो मार्क्स आए हैं, इनको हम अरेंज कर सकते हैं इन कन्वीनियंस, फॉर कन्वीनियंस, फॉर अवर कन्वीनियंस वी कैन अरेंज देम, किसके एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं इन डाटा को। वी कैन अरेंज द डाटा। डाटा मैंने आपको बता दिया क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो कलेक्शन है हमारे पास ऑब्जर्वेशन का, इनको हम अरेंज कर सकते हैं, इन डाटा को अरेंज कर सकते हैं इन असेंडिंग, या तो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सच एन अरेंजमेंट कन्वीनियंस के लिए जब हम इन्हें इन डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सच एन अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हमने इसको सही तरह से प्रेजेंट किया, इस तरह से प्रेजेंट किया कि देखने वाला इजली इसको समझ सकता है, या ऑब्जर्व जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इस डाटा से वो इजली हमें मिल सकती है। अब जैसे मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, सबसे कम मार्क्स किस बच्चे के, सबसे कम मार्क्स कौन से हैं? 33। उसके बाद सेकेंड 38, फिर 52, फिर 63 और लास्ट 81। यानी कि मिनिमम मार्क्स जो है वो है 33,
और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है एटिकेटिव। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। ये जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट किया है डाटा को, ये क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। असेंडिंग ऑर्डर में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब रेंज किसे कहते हैं? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू जो है ऑब्जर्वेशन की, उसके डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं, इज कॉल्ड रेंज, रेंज ऑफ द डाटा। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो मार्क्स लिए हमने 5 स्टूडेंट्स के, उसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 81 और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 33। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा रेंज। तो रेंज क्या होगा इसमें? रेंज इज रेंज ऑफ दिस डाटा, जो हमने डाटा लिया इसका रेंज क्या होगा? 81 माइनस 33 इतना हुआ 48। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ टाइम्स। अब जरूरी तो नहीं है कि 81 एक ही बच्चे के मार्क्स आए हो, अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा दें तो हो सकता है किसी और बच्चे के मार्क्स भी 81 आए हो। तो नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन ए डाटा, एक डाटा में एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स आई है उसको हम उस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, फर्स्ट वर्कशीट शुरू करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी।